अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज मैं भगवान सूर्य की राशि परिवर्तन होने पर क्या स्थिति महीने भर की रहने वाली है उसको लेकर आज के एपिसोड में चर्चा करूंगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म ज्योतिष या ग्रह गोचर की संबंधित जो जानकारियां मैं आपको देता रहता हूँ, तवार तमाम प्रकार के व्रत हैं, त्यौहार है, सभी जानकारियां मैं समय समय पर आपको प्राप्त कराता रहता हूँ। आज जब हम सूर्य की राशि परिवर्तन पर बात करेंगे, सूर्य भगवान हर महीने एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं जिसको संक्रांति का काल भी कहते हैं। संक्रमण यहाँ पर जो है होता है और उसी में अभी तक भगवान सूर्य तुला राशि पर थे जहां वो नीच होकर के संचरण कर रहे थे, लेकिन अभी नीचता से उभर करके अपने मित्र मंगल की राशि में यानी वृश्चिक राशि में उनका प्रवेश होगा 16 तारीख को मध्याह्न 1:02 पर। लेकिन इस स्थिति से देखा जाए तो नीचता से उभर करके मित्र के घर जा रहे हैं तो काफी अच्छा यहां पर रहने वाला है, लेकिन लेकिन वह संयोग बस केतु के साथ युति बनाकर रहेंगे जिससे ग्रहण योग की यहां पर स्थिति बनेगी। अब ग्रहण योग जब भी कुंडली के अंदर बनता है, चाहे वो गोचर के स्थिति पर बने या फिर वो जन्मांक आधार के स्थिति अगर बनती है, दोनों ही स्थिति में चाहे वो राहु के साथ में सूर्य बैठते हो या केतु के साथ में, चंद्रमा और सूर्य का जब भी इनके साथ संयोग बनेगा तो ग्रहण की स्थिति मनाता है। और ग्रहण का मतलब आप सीधा समझते हैं कि स्थिति को विपरीत दिशा में ले जाना, यानी जब ग्रहण होता है आपने देखा होगा कि अंधकार की स्थिति छा जाती है, बिल्कुल उलट यहां पर जो है नीचता से तो उभर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखने को मिलेगा कि केतु के साथ युति बनाकर जब वो रहेंगे तो बहुत सारे कार्यों में अड़चन पैदा करेंगे। जहां आपके कार्य में तेजी है वहां आपको अवरोधताओं का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ खास राशियों की भी मैं यहां पर चर्चा करूंगा जिनको विशेषकर यहां पर सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में केतु के साथ उनका युतिगत संगत जो आधार है वो यहां पर बहुत ज्यादा लाभदायी नहीं होने वाला है। तो हम लोग आज के एपिसोड को शुरू करें। आपको मैं बता दूं यह आप अपनी चंद्र कुंडली चंद्र राशि के आधार पर आज के कार्यक्रम को आप देखें। यदि आपको अपनी चंद्र राशि के बारे में ज्ञात नहीं है तो आप बोलते हुए नाम का भी आधार ले सकते हैं और उसके आधार पर आज के कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। देखिए मेष के हिसाब से यदि हम बात करें मेष राशि के जातकों के, मेष राशि के तमाम जातक आपकी कुंडली के आधार पर देखा जाए, आपकी गोचर कुंडली को तैयार किया जाए तो आपके अष्टम भाव के अंदर यहां पर जो है संचरण काल रहेगा भगवान सूर्य का। खास बात यह कि वह पंचमेश बनकर के यानी फिफ्थ लॉर्ड बनकर के 8th हाउस में बैठेंगे, तो आप ये मान सकते हैं कि पंचमेश की स्थिति अष्टम भाव के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं मेष राशि के जो जातक हैं आपको यहां पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ग्रहण योग का निर्माण हो रहा है, स्वास्थ्य में यहां पर दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर आपके अस्थि जनित रोग यहां पर उत्पन्न हो सकते हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम रह सकती है, समझ रहे हैं, हड्डियों में खासकर चोट आदि का भी यहां पर खतरा बना रहे क्योंकि अष्टम की स्थिति बन रही है और अष्टम में सूर्य बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। सिर दर्द आदि की भी समस्या बनी रह सकती है, खासकर हार्ट के पेशेंट जो हैं उनको बड़ा सजग रहना होगा। ऐसे जातक जिनके माता पिता हार्ट से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है अगर उनकी राशि भी है तो आपको यहां पर विशेष सावधानी की यहां पर आवश्यकता पड़ेगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव पर सूर्य का विचरण काल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। यहां तक कि उन लोगों को भी मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूं जो खासकर प्रेम संबंधों में पड़कर के कहीं कोई बड़ा डिसीजन ले रहे थे, आपको इस काल में थोड़ा सा सावधानी, सजगता और थोड़ा धैर्य के साथ में आपको कार्य लेना चाहिए। आपके मान सम्मान पर भी यह बड़ा असर डाल सकती है। अगर आपको लगता है कि फिलहाल आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको थोड़ा धैर्य के साथ में और इनका इनको सुलझाने के लिए आपको थोड़ा समय लेना चाहिए।
ताकि आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और बहुत ज्यादा समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो। उन लोगों को भी यहाँ पर समस्या आ सकती है जो पंचम से जुड़े हुए, जिनके गर्भ में शिशु पल रहे हैं, जिन माताओं के, जिन बहनों को 3 से 4 महीने तक के, उससे नीचे के जिनके शिशु गर्भ में है, उनको यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड अष्टम में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो उनको यहाँ पर संतति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। एजुकेशन में जो बच्चे बेसिक एजुकेशन की बात करें, उनको खास कर यहाँ पर ये प्रभाव झेलना पड़ सकता है, मन थोड़ा अशांत भी रह सकता है, पढ़ने में मन ना लगना, अभिरुचि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा उनकी नहीं देखी जा सकती, तो उनको भी यहाँ पर खास कर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा सूर्य यहाँ पर जो है लाभदायक नहीं रहेंगे, तो कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों को बहुत अच्छा फल यहाँ पर नहीं दिख रहा है। द्वितीय राशि यानी वृषभ की बात कर लेते हैं, तो आपकी स्तुति सप्तम भाव के अंतर बनने वाली है, जो कि सप्तम भाव के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सप्तम भाव से संबंधित जो रिश्ते हैं, चाहे आपकी पार्टनरशिप की बात करें या आपके लाइफ पार्टनर की हम बात कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनर की बात कर लेते, तो जो भी यहाँ सप्तम भाव से रिलेटेड है, जो प्रेम प्रसंगों के मामले हैं, उनमें कहीं ना कहीं खटास की स्थिति पैदा हो सकती है। सूर्य वहां पर विच्छेदात्मक स्थिति को पैदा कर सकते हैं, केतु ऑलरेडी वहां पर बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में दरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सहज होकर के एक दूसरे को समझने का प्रयास आप करें। अति उत्तावले मन में आकर के कोई नया डिसीजन लेने का प्रयास न करें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मिथुन की बात कर लेते तो आपके सप्तम भाव में विराजित रहेंगे, स्थिति वही केतु के साथ रहेगा, वैसे छठे भाव में खराब नहीं होते सूर्य यहाँ पर, लेकिन एक चीज और भी है, केतु के साथ में होंगे तो काफी सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर मान सम्मान में कमी आ सकती है, अस्थि प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों के रोग यहाँ पर हो सकते हैं, चोट आदि का भी लगने का भय हो सकता है, क्योंकि वहां से केतु केतु तो ऑलरेडी बैठे होंगे, राहु की दृष्टि भी रहेगी, ऐसे में राहु के प्रभाव को भी यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। कर्ज आदि लेन देन की अगर बात है तो उसमें थोड़ा सा आपको परहेज रखना चाहिए, थोड़ा समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोई भी कार्य आप नया कर रहे हैं तो थोड़ा आपको सोच समझ करके उससे संबंधित विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य जन्म कुंडली के अंदर बहुत बेहतर नहीं है, तो इस दशा काल में आपको कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, तो आपको कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए गोचर काल भगवान सूर्य का अष्टम वृश्चिक राशि में आना, अष्टम राशि पर आना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कर नहीं कहा जा सकता है। चतुर्थ राशि कर की बात कर लेते हो तो पंचम के अंदर इनका विचरण काल रहेगा, और पंचम पंचम भाव के अंदर यानी यहाँ पर आपको ये कहा जा सकता है मिला जुला कर, बहुत ज्यादा अच्छा भी यहाँ नहीं कह सकते, तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, लेकिन कई चीजों को लोग यहाँ पर जब पंचम भाव के अंदर सूर्य रहेंगे तो बहुत ज्यादा पंचम भाव से संबंधित जो चीजें हैं उस पर सकारात्मक प्रभाव भी नहीं देखा जा सकता, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का भी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। बाकी वो बच्चे जो अध्ययन काल में कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन ले रहे हैं या हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं, तो वो भी थोड़ा प्रभावित यहाँ पर निश्चित रूप से हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने दिनचर्या में एक तो भगवान सूर्य को अर्घ नियमित देना चाहिए और योग प्राणायाम आदि के द्वारा अपनी एनर्जी को बनाए रखें, क्योंकि अष्टम केतु के साथ में यहाँ पर आने से कई चीजों में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो सकती है। सिंह राशि के स्वयं लॉर्ड बनकर के चतुर्थ भाव के अंदर ये बैठेंगे, आपको यहाँ कुछ चीजों में फायदा भी हो सकता है तो कुछ चीजों में लाभ और हानि दोनों की स्थिति यहाँ पर सामान्य देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, कोई चतुर्थ भाव से संबंधित कोई प्रॉपर्टी आदि में निवेश कर रहे थे तो भले ही यहाँ पर ग्रहण योग की स्थिति बन रही है, लेकिन आपको सूर्य यहाँ पर फिर भी कुछ दे कर जा सकते हैं, तो आपको पात्रता अपनी यहाँ पर बढ़ानी चाहिए, साथ ही साथ सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य यदि बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं है तो स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई लाभदायक भी नहीं देखी जा सकती है। कन्या की बात कर लेती तो पराक्रम भाव के अंदर सूर्य रहेंगे, लेकिन समस्या वही है कि केतु के साथ में बैठे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मेहनत के चलते रहमत की भी संभावनाएं बनी रह सकती हैं। भाई बहनों के साथ स्नेह प्रेम बंधन जो कहीं ना कहीं प्रेम पूर्ण भाव है उसमें भी दखलन पैदा हो सकती है, लेकिन आपका पराक्रम जो आपकी मेहनत है वह आप यहाँ पर कीजिए, पराक्रम को यहाँ पर बढ़ाइए, उसके साथ ही साथ आपको अच्छा लाभ भी हो सकता है। राजनीतिक पदों में जो लोग हैं उनको यहाँ पर तृतीय भाव में सूर्य भगवान अच्छा फल देंगे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए भी यहाँ पर सामान्य ही रहने वाले हैं। सप्तम राशि यानी तुला राशि की बात कर ले तो सेकेंड हाउस के अंदर रहेंगे, यहाँ पर धनादि के मामले में देखा जाए तो सामान्य स्थिति बनी रहेगी, राहु केतु
दोनों ही प्रभावित रखेंगे सूर्य को, तो बहुत ज्यादा जो सकारात्मक प्रभाव है उतना तो यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको धन भाव में यहाँ सूर्य, क्योंकि उष्णता का वही भाव यहाँ पर है, तो काफी हद तक आपको लाभ भी रहेगा। वृश्चिक की बात कर लेते तो आपके लग्न में है, स्वास्थ्य संबंधित आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। सप्तम हाउस पर केतु होंगे और राहु होंगे, केतु लग्न में होंगे, सूर्य यहाँ पर होंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, हेल्थ इश्यूज यहाँ पर देखे जा सकते हैं, तो आपको स्वास्थ्य की यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और हो सके तो आप नियमित एक नियम बना लें कि सूर्य उदय से पहले उठे और प्रयास करें कि स्नान भी कर ले तो अति उत्तम है, नहीं तो आप जैसे भी पूरा दिनचर्या में फेरबदल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य जो होते हैं, ताम्र के पात्र से तो बहुत अच्छा है, और तांबे के पात्र से नहीं हो सकता तो आप किसी भी पात्र से दें, लेकिन जरूर दें, ऐसा आप प्रयास करें। अग्रिम राशि की हम बात कर लेते हैं, यानी धनु की बात कर लेते हैं, द्वादश के अंदर सूर्य का मान प्रतिष्ठा इज्जत कहीं ना कहीं ठेस पहुंच सकती है। कोई नया स्टेप आपको नहीं लेना चाहिए, कोई भी जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए, मान सम्मान पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, और एक दूसरे से वार्तालाप के दौरान भी आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। अनायास किसी भी मामले में आपको तकरारबाजी नहीं देनी चाहिए, किसी के गवाही देनी हो या फिर किसी के साथ अपना वहां पर आपको अपना कोई विशेष रोल अदा करना हो तो उससे भी थोड़ा परहेज करें तो ज्यादा बेहतर यहाँ पर आपके लिए रहेगा। सिर दर्द की समस्या बनी रह सकती है, खासकर आपको सचेत रहना है। टू व्हीलर चलाते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल आदि से यात्रा करते हैं, बहुत लंबा ड्राइव करते हैं, डेली आपको जाना पड़ता है, तो भी आपको यहाँ पर सावधानियां बनाकर रखनी चाहिए। सिर पर आपकी चोट लगने की संभावना बन सकती है, तो सिर को सुरक्षित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। मकर राशि की बात कर ले तो आपकी एकादश भाव के अंदर यह स्थिति बनी, थोड़ा सा फाइनेंशियल यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, धन के मामलों में वित्तीय लेन देन जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा सहजता और सावधानी पूर्वक ही आपको करना चाहिए। अगर कुंभ की बात कर लेते तो दशम के अंदर रहेंगे, खासकर वो लोग जो राजकीय हेर फेर में जुड़े हुए हैं, उसके इर्द गिर्द रहते हैं, राजसत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी कार्य करते हैं, सरकारी कार्यकलाप में कहीं ना कहीं क्रियाकलाप में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, क्योंकि तो सूर्य यहाँ पर ऑलरेडी कमजोर हो रहे हैं और उसी के कारक होकर के कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई अपमान का सहन आपको घोट कोई पीना पड़ सकता है, उसमें आपको सजग रहना चाहिए। साथ ही साथ कोई आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप अपने हिसाब से अपने स्तर पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आप पर कहीं ना कहीं कोई लांछन आदि की स्थिति बन सकती है, आप स्वयं भी पदभ्रष्ट होने की संभावना यहाँ पर बनती रहती है। तो कुल मिलाकर आपको सजग सावधान रहना चाहिए, सूर्य उपासना आपको करनी चाहिए, और हाँ, आदित्य हृदय स्त्रोत्र का आप पाठ कर सके तो अति उत्तम। इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत्र बहुत सरल करके पाठ विधि के साथ मैं आपको बता चुका हूं, आप उसे कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसी के चलते हम अगर द्वादश यानी मीन राशि की बात करें तो आपके नवम भाव के अंदर भाग्य भाव के अंदर जो है यहाँ पर ग्रहण योग की स्थिति के साथ में सूर्य विराजित होंगे। कहीं ना कहीं जहां भाग्य एक तरफ आपका वृद्धि की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन वहीं अंकुश भी लगा रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सूर्य को प्रबल करें, आप हो सकता है तो माणिक्य भी धारण कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का माणिक्य आप धारण करें तो आपको ऊर्जा मिलेगी, आपके कई सारे कार्य बन सकते हैं, नया कोई आपके जीवन में बड़ा फेरबदल की स्थिति पैदा हो सकती है, कोई नया पदभार आप संभाल सकते हैं, कहीं बाहर विशेष कार्य के लिए आप जा सकते हो और आपको उसका विशेष सम्मान भी मिल सकता है। अचानक से कई चीजों में यहाँ पर तेजी देखी जा सकती है। तो दर्शकों, मेष से मीन राशि पर्यंत यह छोटी सी चर्चा, आप सब लोग बने रहें, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।